बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। स्वागत तो करो हमारे। सो गाइस यार, आज हम करेंगे एक और नए ऐप में फेस स्मूथ एडिटिंग। जी गाइस यार, बहुत ही कमाल का ऐप है ये, जिसमें आप वन क्लिक में भी फेस को स्मूथ कर सकते हो एंड मैनुअल भी कर सकते हो। तो गाइस, ऑटोडेस्क, पिक्सआर्ट, लाइटरूम को भूल जाओ। आज आप लोगों के लिए एक और नया ऐप लेकर आ चुका हूँ, जिसमें आप फेस स्मूथ कर सकते हो। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना, तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। उस ऐप का नाम क्या है, चलिए आगे वीडियो में बताता हूँ। सो गाइस, आज हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। अरे भाई, पहले ही फिल्टर लगा हुआ है उस पे। ओ सॉरी यार गाइस, तो फोटो चेंज हो गया, एक मिनट। हाँ तो मेरे भाई, हम कुछ इस सिंपल से फोटो को बहुत ही कमाल का फेस स्मूथ और इसको कैसे HD करते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ हाँ, आपकी बार यही फोटो है। हाँ तो गाइस, इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐड करना है अपने स्नैपसीड ऐप में, ठीक है। तो जिसका आप डायरेक्ट शेयर कर लेना, शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे हमारे स्नैपसीड ऐप में। तो ओके, हमारा फोटो ऐड हो चुका है स्नैपसीड ऐप में। देन आपको सबसे पहले टूल्स पर आ जाना है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे ये तो कहाँ नया ऐप है, तो ये तो पुराना वाला ही है। हाँ मेरा भाई, बताऊंगा अभी नहीं है, पहले इसमें आपको थोड़ा सा काम करना है, वो कर लेना है। तो मेरे जान, सबसे पहले आपको डिटेल पे टैप करना है एंड इसकी डिटेल को इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा HD बनाना पड़ेगा ना, या शार्प और HD। हाँ, एंड देन इसका जो शार्पनिंग है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ओके मेरे जान, ओके, फिर यहाँ से डन कर देना है। डन हो जाने के बाद आप देख सकते हो यार, फोटो में थोड़ी सी क्वालिटी आ चुकी है ना। ओके, एंड देन इसके बाद आपको टूल्स पर आ जाना है और यहाँ से सिलेक्ट को सिलेक्ट करना है। और फेस की जहाँ पर भी काला काला है, सॉरी मतलब जहाँ पर भी डार्कनेस है ना, उसको थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे एक बार इसको लाइटिंग कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। एंड देन इसकी सिचुएशन भी माइनस कर लेनी है आपको। ओके, तो लाइटिंग इंक्रीज हो जाने के बाद यहाँ से हम डन कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितनी अच्छी सी लाइटिंग आ चुकी है फेस पर, ठीक है। अब देन इसको आपको शेयर पर टैप करना है और इसको ऐड कर लेना अपने नए ऐप में, ठीक है। तो उस ऐप का नाम है एयरब्रश ऐप, ठीक है। बहुत ही कमाल का ऐप है यार, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे कि हम इसको ऐड कर लेंगे। ओके, तो फोटो ऐड हो चुका है हमारा एयरब्रश ऐप में। तो सिंपली आप टूल्स देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है रिटच ऑप्शन पर, एंड देन इसके बाद आपको SCNE इस पर टैप करना है। इससे यह होगा कि आपके जो फेस पर जो भी पिंपल्स है ना, वो ये रिमूव कर देगा ऑटो, ठीक है। तो हम ऑटो पर टैप कर लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। और जहाँ नहीं हो तो आप खुद मैनुअली कर सकते हो, ठीक है ना मैडम। ओके, देन यहाँ से आपको डन कर देना है। डन हो जाने के बाद आपको जाना है स्मूथ ऑप्शन पर, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर हेवी पर टैप कर लेना है और सिंपली आप जूम करना है फोटो को, एंड देन इस प्रकार से रब करना चालू कर देना है, ठीक है मेरे जान। तो आप देखोगे कि कितना अच्छा से यहाँ पर फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, मैनुअली करना पड़ता है, तो हम कुछ इस प्रकार से मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने बोला था कि आपको वन क्लिक में भी सिखाऊंगा इसी ऐप में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा से यहाँ पर इसने फेस हमारे स्मूथ कर दिया, ठीक है। बहुत ही कमाल का लग रहा है, ठीक है मेरे जान। तो जिसके यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी रहने देते हैं, स्मूथ को कट कर देते हैं। अब जिसके हम वन क्लिक में इसको फेस को स्मूथ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है प्रीसेट का ऑप्शन दिख जाएगा, प्रीसेट इस पर आपको टैप कर देना है सिंपली। अब जैसे प्रीसेट पर टैप करोगे तो बहुत सारे यहाँ पर प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अलग अलग, ये सिर्फ फेस स्मूथ का ही है, ठीक है ना, आपको बहुत ही अच्छा फेस स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो देखना, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप ये देखिए गाइस, तो इसको फुल कर देना आप, ठीक है ना। तो ओके, आप हमारे फेस को देख सकते हो कितना अच्छा से यहाँ पर हो चुका ना था स्मूथ, ठीक है। तो आप अलग अलग फिल्टर को टैप करके देखना, यहाँ पर बहुत ही कमाल का यहाँ पर ये स्मूथ करता है, ठीक है मेरे जान। ओके, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा से हमारे फेस को इसने कर दिया है, ठीक है ना। तो आप चाहो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी तो आप मैनुअल करोगे ना तो काफ़ी बेटर रहेगा फेस को स्मूथ, ठीक है ना। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपके फेस के ही ऊपर हैं, ठीक है। तो आपको स्केलेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप हमारे फेस को जो भी हमारा थोड़ा सा डाउन लेफ्ट कर सकते हो अपन फेस को, जैसे कि ये देखोगे तो आपका फेस आगे बढ़ चुका है कुछ इस प्रकार से, आप नीचे झुका सकते हो फेस का, ठीक है ना। तो इससे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है मेरे जान, इस ऐप में, ठीक है। और बाकी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, स्किन टोन के ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे आप ऑटो पर टैप करोगे तो यहाँ पर ऑटो आपके फेस पर लाइटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप अलग अलग कलर कर सकते हो सिंपली ऑटो पर, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा ऐप है। तो इससे आप क्या है कि फेस स्मूथ करो तो अपने मैनुअली करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्मूथ पाकर यहाँ पर हेवी पर टैप कर लेंगे और आप जिस प्रकार से स्मूथ करना चालू कर देना, ठीक है ना। तो अब बहुत ही कमाल का यहाँ पर आपको फेस स्मूथ करना मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आप इस एयरब्रश ऐप में फेस स्मूथ करना सीख गए होंगे। सो सीख गए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं इसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार बाय बाय।